तो दोस्तों, क्या वाकई में सलमान खान ने विकी कौशल की इंसल्ट की? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये दिखाई जा रही है कि सलमान खान के बॉडीगार्ड के द्वारा विकी कौशल को साइडलाइन कर देना और सलमान खान के लिए आगे जगह बनाना और सलमान खान के द्वारा विकी कौशल को इग्नोर कर देना, ये सब चीजें साफ तौर पर दिखा रही थी कि सलमान खान वाकई में विकी कौशल की इंसल्ट कर रहे थे। और ये वीडियो काफी समय से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और साथ ही सलमान खान को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर जब विकी कौशल आईफा अवार्ड के रेड कार्पेट पर इंटरव्यू दे रहे थे और तभी वहां से सलमान खान गुजर रहे थे, वो विकी को देखकर वहां रुके, लेकिन विकी ने सलमान खान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद जब सलमान खान ने विकी को छुआ और विकी ने जब सलमान खान को देखा, तब दोनों एक दूसरे के गले लग गए। क्योंकि सलमान खान को भी पता है कि जिस मीडिया के सामने विकी कौशल की बेइज्जती हुई है, उसी मीडिया के सामने विकी कौशल को गले लगाना होगा, वरना लोग उन्हें हमेशा गलत समझते रहेंगे। और साथ ही लोगों को ऐसा ना लगे कि उनकी एक्स कटरीना की पति है विकी कौशल, इसलिए सलमान खान ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है। ऊपर से सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 भी आने वाला है। फिलहाल इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में विकी कौशल का भी रिएक्शन सामने आया है। विकी कौशल ने कहा है, कई बार बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और चीजों को लेकर लोग फालतू बकवास कर रहे हैं, चीजें वैसी नहीं होती जैसी मीडिया में दिखाई दे रही है। हालांकि एक तरफ सलमान खान के फैंस भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस वक्त विकी कौशल सलमान खान से नहीं मिल पाए होंगे, इसलिए बाद में सलमान खान और विकी कौशल एक दूसरे के सामने आए और गले मिले। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 पर कोई असर ना पड़े और पब्लिक उन्हें घायल आशिक ना समझे, इसीलिए सलमान खान ने विकी कौशल के गले लगकर मामला को वही खत्म कर दिया है। खैर, इन सब चीजों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।